الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد इसको बचाकर अगर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए तो बेहतर रहेगा اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جمعہ کے بیان میں ہمارے ہاں ایک کم و بیش دو سال سے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع چل رہا ہے اور ابھی ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں
जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ माह रमज़ान में हमने रोका ये मौजू। बाकी कोई अगर मजबूरी आई एक आध जुमा, वरना हम तसलसल से चल रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर कोई गलती होगी तो मेरी तरफ से होगी, कि शायद ये आज कससुल अंबिया की किस्त नंबर 52 हो। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इखलास नसीब फरमाएं और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि निमरूद ने और कौम ने सलाह व मशवरे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का फ़ैसला किया और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाज़त फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा सामने आया जिसे सूरत अंबिया में अल्लाह ताला ने या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम की यादों से बयान फरमाया है। उलमा ने लिखा है कि जब हुज्जत तमाम कर दी पैगंबर ने तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया। बल्कि गालिबन बाज़ उलमा ने लिखा है कि वही आने के बाद अब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब यहाँ से चलो। शेखुल हदीस मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने हिदायत के चिराग में तीन शख्सियात का जिक्र किया है इस मौके पर, हिजरत करने वालों, खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और तीसरे दो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया और हजरत लूत की अहलिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इंशाल्लाह आगे मुस्तकिल दर्स आएगा इंशाल्लाह, चूंकि उनका वाक़या कुरान पाक में है इसलिए अभी हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर तो कुछ नहीं अर्ज़ करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जब ये मरहला आया तो यहाँ पहुँच कर उलमा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया का ज़िक्र किया है। इब्तिदा में मैं मुख्तसर से इशारा कर दूं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीन अजवाज मुतहरात का उलमा ने जिक्र लिखा है। सबसे पहली हैं ये, जिनको उलमा ने भी पहली लिखा है, हज़रत सारा। और इस मरहले पर भी इन्हीं का जिक्र मिलता है। दूसरी हैं हजरते हाजिरा और तीसरी हैं हजरते कतूरा। अच्छा, ये अपना बात समझनी है कि इंशाल्लाह हजरते हाजिरा के हवाले से तो कुछ बातें हम आगे पढ़ेंगे। ये हजरते हाजिरा वो हैं जो हजरते इस्माइल की वालिदा थी अलैहिस्सलाम, और हजरत सारा ये वो हैं जो हजरत इसहाक की वालदा थी। हो सकता है मैं कुछ इशारा आगे करूं अगर वक्त हुआ तो। अब इब्तिदा में सुने, अच्छा ये चीज भी चलते चलते सुन लें कि जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीन बीवियों का जिक्र उलमा ने लिखा है,
कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ख़ासकर शायद हो सकता आपको याद हो कि जब हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात की इब्तिदा की थी, मैंने उस वक़्त अर्ज़ किया था कि खुदा के कुछ नबी ऐसे हैं कि अहले किताब भी उनको खुदा का नबी मानते हैं और हम मुसलमान भी मानते हैं, अहले किताब के दोनों हिस्से, चाहे वो यहूदी हों चाहे वो ईसाई हों। हज़रत इब्राहीम उनमें से हैं। हज़रत इब्राहीम वो हैं कि जिनको यहूदी भी मानते हैं, जिनको ईसाई भी मानते हैं और जिनको हम मुसलमान भी मानते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि मसलन अहले किताब ने जो खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराजात किए हैं, उन एतराजात में एक एतराज यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजवाज मुतहरात एक से ज्यादा क्यों है। जाहिर बात है इस जवाब का मौका यह तो नहीं, अलबत्ता जरा दावत फिक्र दी है मौलाना रहमतुल्ला केरानवी रहमतुल्ला अलैह ने, यानी हो सकता है आपने भी कहीं उनका नाम पढ़ा हो या उलमा से सुना हो कि 150 साल पहले ब्रिटिश इंडिया के जमाने में एक शख्सियत रद्दे ईसाइयत पर एक अथॉरिटी की सूरत में सामने आई है। अल्लाह ताला ने, यानी आप हैरान होंगे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम ने भी लिखा है कि उस जमाने में अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया था इनके मुकाबले के लिए। हजरत रहमतुल्ला केरानवी रहमतुल्ला अलैह ने, जो खैर बहरहाल बात अर्ज कर रहा था, हजरत ने ईसाइयों के एक एक एतराज या एक एक सवाल को जमा कर कर उसका जवाब लिखा था आज से 150 साल पहले इजालतुल ओहाम में। यह किताब सन 1848 में एक बार छपी फिर नायाब हो गई, लेकिन अब अल्लाह ताला मौजूदा उलमा को जजाय खैर दें, उन्होंने इस किताब को ढूंढा है, ढूंढ के निकाला है। और आप खुद सोचें उस जमाने की हिंद की जो जुबान थी सरकारी वो फारसी थी, ये किताब भी हजरत ने फारसी में लिखी थी, लेकिन अब हमारे दियार में फारसी को जानने वाले नहीं रहे इल्ला माशाल्लाह। इसलिए आपके और हमारे मुल्क के उलमा ने इस किताब को फिर मंजरे आम पर लाए हैं और फारसी से उर्दू में किया, नए हवाशी कायम किए, हाशिए, और 900 सफ़े में ये किताब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तस्दीक के साथ छप कर मंजरे आम पर आई है। ईसाइयत का कोई भी एतराज हो या सवाल हो, खुदा न करे अगर किसी शख्स के जहन में आता है या उस तक पहुंचता है, इस किताब को सामने रख लो, मां ने बेटा पैदा नहीं किया है कि जो हजरत केरानवी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब का जवाब दे सके, ऐसी नायाब किताब है। लेकिन बहरहाल कमी तो हमारी तरफ से है, आप में से है किसी ने यह किताब देखी हो, पढ़नी छोड़िए, पढ़ना तो अगला मरहला होता है, देखी भी हो, सवाल ही नहीं पैदा हो तो उसकी क्या जरूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर फरमाए, इशारा कर दिया शायद किसी तालिब इल्म को या किसी को दूर देश बैठे कहीं काम आ जाए, इसलिए कि आपको भी वास्ता पड़ता होगा और वास्ता पड़ता है अब, इसलिए कि ख़ासकर यूरोप में जो लोग हमारे जा रहे हैं उनके आम तौर पर वो एतराज़ात क्या हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियाँ एक से ज़्यादा क्यों थीं। जो एतराज़ात हुजूर पर किए गए उनमें से सबसे पहला ये होता है आम तौर पर, और ये आम फहम भी है, इसलिए कभी कभी ये एतराज़ दिल में बैठ जाता है, अब उसका जवाब नहीं आता। अब उनके लिए हजरत केरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहरहाल ये दावत फिक्र दी है कि अगर खुदा न करे ये कोई ऐब की बात थी तअद्दुद अज़वाज, तो हजरत इब्राहिम को तो तुम भी मानते हो, तीन तो उनकी भी थी। नहीं समझ आई बात आप लोगों? खैर बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा, हजरत लूत और उनकी अहलिया, इनको लिया और हिजरत फरमाई बाबुल से
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले और मौलाना अब्दुर्रहमान साहब लिखते हैं कि फलस्तीन की तरफ रुख फरमाया। और फलस्तीन आए और फिर उलमा ने लिखा है कि जहां जहां से गुजरते आ रहे थे दीन इस्लाम जो उस जमाने में था, खुदा का जो दीन उस जमाने में था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी दावत भी देते देते फलस्तीन तशरीफ लाए। और फिर उलमा ने लिखा है कि फिर एक और हजरत ने सफर का इरादा फरमाया और उस पर अमल भी फरमाया, वो था मिस्र। हजरत मिस्र की तरफ तशरीफ लाए। अच्छा, यहां पर पहुंचकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से उलमा ने दो बातें ज़िम्न में लिखी हैं। यकीनन चूंकि हजारों साल बीत गए, कई तरह के वाकयात पेश आए होंगे, इस ज़िम्न में उलमा ने दो मुख्तसर से वाकयात भी लिखे हैं। उनमें से एक आध सुन लें। मसलन एक बात उलमा ने लिखी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां रहे जहां गए मेहमान नवाजी की सिफत हजरत के साथ थी। और बल्कि साहिब हिदायत की चिराग ने वाकया लिखा है कि एक दफा घर में बैठे थे तो अकेले खाना खाने को मन न चाहा। अहलिया ने खाने का इसरार फरमाया या कहा कि मतलब खाना तैयार है, तो फरमाने लगे मैं बाहर देखूं, शायद कोई शख्स मिल जाए, मेहमान मिल जाए, मिलके खा लेंगे। बाहर निकले तो उलमा ने, हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने उलमा के हवाले से लिखा है कि एक ज़ईफ़ आदमी जिसकी कमर भी झुक गई थी, उम्र इतनी हो गई थी, वो देखा चलते हुए लाठी टेकते हुए जा रहे हैं, उनसे मिले और फरमाने लगे कि अगर आप हमारे घर पर आकर खाना खा लें तो बड़ी खुशी होगी। मेहमान को ले आए तो वो बैठे। अच्छा, अब खाना तनावल फरमाया। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मज़ाहिरी लिखते हैं कि जब खाने से फरागत हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब मौका था ये अकीदा पेश करने का भी मौका था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकीदे को पेश फरमाया कि खुदा की इन नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, मैं भी और आप भी, जो अल्लाह वाहिद ने हमें अता की हैं। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब लिखते हैं कि बाबे को गुस्सा आ गया और ये लफ्ज लिखा है हजरत ने कि वो कहने लगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह वाहिद तुम्हारे कौन है मैं नहीं जानता, मेरा माबूद तो वो बुत है जो मेरे घर में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाल आया ये जवाब सुनकर, फरमाया उठो जाओ यहां से। खैर वो तो चला गया। अच्छा, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में कसक पैदा हुई कि बहरहाल ये कोई बात ऐसी हो गई है कि बहरहाल ठीक है, मैं आज उनको लेकर आया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, वो अल्लाह की पहचान नहीं रख रहे थे, लेकिन अल्लाह की तरफ भी तो देखना चाहिए कि इतने मुद्दत से वो खुदा की दीवी नेमतों को खा रहा है, खुदा का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह ने तो आज तक उसको अपने दस्तरखान से नहीं उठाया तो मुझे भी नहीं उठाना चाहिए था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मौलाना अब्दुर्रहमान साहब लिखते हैं कि हजरत खुद ही बाहर तशरीफ लाए कि वो मिले। अच्छा, चरा चलते चलते मिल गए, मिले तो उनको सीने से लगाया और माजरत का इजहार फरमाया कि कहीं हमने आपका दिल दुखा दिया। बहरहाल ये पैगंबरों की शान है, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान ही निराली होती है। इसी साथ दूसरा उलमा ने एक वाकया लिखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दफा घर तशरीफ लाए तो अहलिया ने फरमाया कि घर में खाने की कोई शय नहीं। बाहर निकले,
अच्छा, वो जो इलाका था औलमा ने लिखा है उसके, हाँ ये जो गुंदम का कह लें आटे का कह लें जो निज़ाम था ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इख्तलाफ रखता था अकीदे का। लोग जाते थे वो ले आते थे अपनी ज़रूरत की शय। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बात की वो कहने लगा, उसका जवाब हज़रत ने लिखा है, वो कहने लगा हज़रत इब्राहीम से कि मैं सबको दूंगा आपको नहीं दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसरार तो नहीं फरमाया, वापस तशरीफ़ लाए। चलते चलते रास्ते में ख्याल आया कि घर जाएंगे तो उनके दिल पर भी चोट लगेगी कि भाई क्या है। साहिबे कससुल अंबिया लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही सवारी में दो बोरियां पड़ी हुई थी खाली, लेकर गए थे साथ में, क्या अगर वो देंगे तो उनको भर के ले आएंगे, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। अच्छा, जब वो इनकार कर दिया तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि साहिबे कससुल अंबिया लिखते हैं कि उन दोनों बोरियों को रेत से भर दिया। रेत से भरने के बाद घर तशरीफ लाए, सवारी से वो दोनों बोरियां उतारी, एक कोने में घर के रखी और खुद जाकर एक जगह लेट गए। लेटे तो आंख लग गई। अब साहिबे कससुल अंबिया लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया ने फासले से देखा कि हजरत तशरीफ लाए हैं और दो बोरियां रखी हैं, पास गई खोली तो आटा था। कह दें सुभान अल्लाह। अब कमरे की तरफ तशरीफ लाई तो हजरत सो रहे थे, उनको जगाया तो नहीं उस वक़्त, वापस चली गई, आटा गूंदा, रोटी बनाई, जो माँ हाजिर था पेश किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, उठे, ज़रूरियात से फारिग हुए, जब दस्तरखान पर बैठे तो देखा कि रोटी बेगम ला रही हैं और ला के रख दी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो जानते थे लेकिन बीवी से कोई इजहार नहीं फरमाया था। अच्छा, खुद पूछा कि मिन ऐन हाजा, तो वो फरमाने लगी कि असल में जो आप लाए हैं ना उसी से तो बनाई हूं। तो फरमाने लगे हाँ ठीक है कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रिज़्क है, बस इतना फरमाया और खामोश हो गया और कुछ नहीं कहा। अंबिया की शान तो निराली होती है। अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया इन अल्फाज में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदे को बयान फरमाया इन अल्फाज में, वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्तीन, के अल्लाह ही हैं जो मुझे खिलाते भी हैं मुझे पिलाते भी। और अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अकीदा सिखाया है आलम को, वइदा मरिस्तु, जब हम बीमार हो जाएं, फहुवा यशफीन, तो शिफा भी सिर्फ वो देता है। अच्छा, जरा उलमा ने अजीब दावत फिक्र दी है कि वइदा मरिस्तु, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मर्ज की निस्बत अपनी तरफ की है, मर्ज की निस्बत अपनी तरफ की है, शिफा की निस्बत उधर की है। तो उलमा ने लिखा है हजरत इब्राहीम सदियों पहले ये सबक दे गए हैं, बीमार हुआ करो तो ये ना कहा करो अल्लाह ने किया है। हकीकत अपनी जगह कायम रहती है लेकिन अदब का तकाजा अपनी जगह रहता है। जब ये बात हो, खुदा ना करे कोई गम आए, कोई परेशानी आए, कोई बीमारी आए, ये ना कहा करो अल्लाह की तरफ से आई है, बल्कि वइदा मरिस्तु, जब हम बीमार होते हैं, हजरत इब्राहीम ने बीमारी को अपनी तरफ निस्बत किया है, शिफा को अल्लाह की तरफ निस्बत किया है। कभी अगर बीमार हो तो कहो बीमार हो गए हैं, अल्लाह शिफा देंगे। बात समझ आई है या नहीं आई है? कोई बात आपको समझ आ रही है या नहीं मेरे भाइयों? तो बोलो तो सही। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। फरमाया वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफील
वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। जिंदगी भी खुदा देता है, मौत भी खुदा देता है, मौत भी खुदा देता है, मौत के बाद जिंदगी भी खुदा देता है। खैर बहरहाल मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र तशरीफ लाए। मिस्र में एक हादसा पेश आया, गौर से तवज्जो से सुनिए। यह वाकया अहले किताब, जिन पांच किताबों को वो तौरात कहते हैं, उसमें भी है। अगर मेरे साथ मिलके कह दें कितनी किताबों को वो तौरात कहते हैं, पांच। मौजूदा जो बाइबल है ना, आपने पढ़ी है कभी? वो बाइबल में जो पहली पांच किताबें हैं, इनको वो तौरात कहते हैं। कितनी किताबों को? पांच। उसमें भी ये वाकया है, लेकिन कदरे इख्तिलाफ के साथ, ये याद रखिएगा। और इस वाकये पर इतनी बहस है कि मैं आगे शायद उसका थोड़ा सा इशारा करूंगा। आपको याद होगा कि मैंने कहीं इब्तिदा में अर्ज किया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस शरीफ में फरमाया गया सलासा कज़बात, कि हजरत इब्राहिम ने कितने झूठ बोले, और बोलो तो सही। ये कज़बात का लफ्ज है और इसको इसी लफ्ज के साथ बयान किया जाता है। अब इसका माना क्या है? पहले हम जिनसे गुजरे थे, कितने जिक्र किए गए हैं यहां पर? तीन। कितने जिक्र किए गए हैं? तीन। लेकिन मैंने उसी वक्त कह दिया था कि कुरान कहता है हजरत इब्राहिम बड़े सच्चे थे, है या नहीं? तो क्या यह हो सकता है कि हदीस कुरान के खिलाफ कहेगी? यकीनन यहां माना कुछ और है, यह यकीनन माना कुछ और है। लेकिन यह मरहला वो है कि यहां पर उन लोगों के लिए दावत फिक्र है जो कहते हैं कि हमें कुरान और हदीस समझने के लिए उलमा के वास्ते की जरूरत नहीं है। हम उनके जो मरहले पेश करते हैं उनमें से यह पहला मरहला है कि उलमा का दामन दरमियान से हटाकर कुरान पाक की आयत और बुखारी की इस हदीस में तत्बीक देकर दिखाओ, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तक उलमा के दामन से वाबस्ता नहीं होंगे, यहां तत्बीक पैदा ही नहीं हो सके। कुरान कहता है इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, वो बड़े सच्चे नबी थे। बुखारी कहती है सलासा कज़बात, तो तदबीक कैसे होगी? नहीं समझ आई बात आपको? इससे सबक ये मिलता है कि कुरान और सुन्नत को उस तरह समझो जिस तरह हमारे बड़ों ने अपने बड़ों से समझा है। अगर खुद समझोगे ना तो फिर यही गोल खिलाओगे जो आजकल खेल रहे हैं। खुदा आइंदा खैर करे। कोई बात नहीं समझ आ रही आप? ये वाकया पहले इसका खुलासा सुने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत साराह के साथ मिस्र से गुजर रहे थे। जब मिस्र से गुजर रहे थे, एक इलाका आया मिस्र का, वहां पर एक बादशाह होता था। बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो खुद बादशाह था, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो एक बादशाह का वजीर था, खुद बादशाह नहीं था। बहरहाल उसका कुछ भी आप कहें, वो खित्ता उसके बहरहाल हुक्म के तहत था। उसकी एक आदत बड़ी अजीब सी उन किताबों में मिलती है कि वो शादीशुदा कोई खातून हो उनको उठवा लेता था, लेकिन अगर कोई उसके साथ उसकी बहन हो, उसके साथ उसकी कोई और रिश्तेदार हो, बीवी ना हो, फिर वो उनको कुछ नहीं कहता था, खासकर अगर वो कुंवारी हो। ये एक अजीब बात है कि यानी इंसान हैरान हो जाता है कि हमारा ख्याल आ जाए तो हम तो बरक्स चलेंगे, लेकिन यहां कुछ मामला और है। बहरहाल वल्लाहु आलम भी हकीकत हाल, बाज अकाबिर ने फरमाया है मुमकिन है कि चूंकि वो बादशाह था तो शायद इस चीज से झिझकता था कि अगर कोई ऐसी बात हो गई तो फिर नसब का, खानदान का मसला बनेगा, और अगर कोई खातून शादीशुदा होगी, शौहर वाली होगी, तो फिर इल्जाम कम लगेगा। मुमकिन है उसका यह ख्याल हो, या वल्लाहु आलम जो भी हो, लेकिन उसका तरीका यही किताबों में मिलता है। इस काम के लिए उसके कारिंदे शहर में शहरों शहर घूमते रहते थे, उसको इतला देते थे जो चेहरे के लिहाज से
बेहतरीन या खूबसूरत औरत हो और हो भी शादीशुदा तो उसको बताएं। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके साथ उस वादी से गुजरे कि इसके उन लोगों की नजर हजरत सारा पर पड़ी। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो या उलमा से सुना हो, हजरत सारा के तारुफ में एक बात, एक जुमला बड़ा अजीब मिलता है कि अजमला निसा अल आलम बाद हव्वा, कि हजरत हव्वा के बाद दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी। और ये आप हो सकता है मुझसे बेहतर जाने, आखिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी तो रहते यहाँ मुद्दतें गुजर रही हैं, मुद्दत से आप उलमा को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। हजरत सारा ये हजरत इसहाक की वालदा बनी है, वालदा थी हजरत इसहाक की। और हजरत इसहाक कौन थे ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये हजरत याकूब के वालिद थे। और हजरत याकूब किन के वालिद थे, और बोलो तो सही, हजरत यूसुफ के। और हजरत यूसुफ का हुसन जरबुल मिसल है, आज भी है। इसलिए कोई ये जो जुमला कहा गया हजरत सारा की शान में, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बाद हव्वा, हजरत हव्वा के बाद। अच्छा, जो वो देखे तो वो तो भाग गए उसी वक्त, उन्होंने जाकर उनको इतला दी कि हमने तो आज तक ऐसी कोई खातून नहीं देखी। उसने कहा पकड़ के लाओ। अब इन हजरात को उन्होंने घेर लिया, घेरा तो वो हजरत सारा इनको लेकर चलने लगे। अब इस मरहले पर एक जुमला मिलता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा से एक बात इरशाद फरमाई। मैंने अभी शुरू में इशारा किया था, अगर कोई खातून किसी की बहन हो यानी भाई के साथ हो, और खासकर हो भी कुंवारी, उसको भी वो लेता था या नहीं, और बोलो तो सही, पकड़ता था। और अगर बीवी हो, हाँ ये चीज़ ज़हन में रखें, आगे आपको काम आएगी समझने में। हजरत सारा को जब लेने आ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा से फरमाया कि गर उन्होंने आपसे पूछा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है, आप कहना कि बहन भाई, क्या है। और उलमा ने लिखा है कि बाकायदा हदीस शरीफ में, और ये वाकया हदीस शरीफ में है, कि हजरत इब्राहिम से जब उन लोगों ने पूछा कि ये आपकी क्या लगती हैं, पकड़ने से पहले उन्होंने कहा मेरी बहन है। अब ये वो तीसरा मरहला है जिस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सलासा कज़बात का लफ्ज लाए हैं। पहला वो था जो हजरत इब्राहिम ने कौम वाले लेने आए थे मेले के लिए, तो फरमाया था मैं बीमार हूं। दूसरा मरहला वो था जब हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था। और तीसरा ये, और याद होगा मैंने अर्ज किया था कि जब हम तीसरे पर पहुंचेंगे तो मैं इसकी वजाहत करूंगा कि इसका माना क्या है। बुखारी तो कहती है सलासा कज़बात, लेकिन कुरान कहता है इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। लेकिन याद रखें, अगर हम कुरान को छोड़ें ईमान रहेगा, और बोलो तो सही, और अगर हदीस को छोड़ दें फिर, और बोलो तो सही यार, नहीं, आपने हमने एतदाल में रहना है, ना कुरान छोड़ेंगे ना हदीस छोड़ेंगे, सही है या गलत है, और बोलो तो सही। इसलिए नहीं, हाँ अब रह गया मसला कि इसका फिर हल कैसे होगा। इसका हल उलमा ने किया है कि इसका माना क्या है, लेकिन उसकी वजाहत का मैं यहां पे वजाहत अभी तो नहीं कर सकता। पहले आप वाकया सुने, फिर आगे चल के मैं करूंगा, अभी तो आज तो वक्त नहीं है किसी भी सूरत। हजरत सारा उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के वो ले गए। जब वो ले गए तो एक कमरे में हजरत सारा को दाखिल किया। हजरत सारा देखने लगी कि क्या है। इतने में वो शख्स सामने आया जो बादशाह था, जो या वो वजीर था, वल्लाहु आलम भी हकीकत अलहाल, जो भी था वो सामने आया। उसने जब हजरत सारा को देखा ना, तो वो तो अल्लाह माफ फरमाए, खैर छोड़े, उसने जो हाथ आगे की तरफ बढ़ाया तो हजरत सारा की जो निगाह ऊपर गई, उलमा ने लिखा है कि उसका पूरा हाथ ही शल हो गया। अब उसका हाथ हरकत ना करे, हलाए, वो हिले ही नहीं। इतने में हजरत सारा से कहने लगा कि निगाह ऊपर गई है, कहने लगा कि देखें सुनिए मेरी बात,
आप अपने खुदा से कहिए, दुआ करिए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, मैं कोई अपना गलत इरादा जो मेरा है मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं करूंगा। हजरत सारा ने हाथ उठाए, उसके दोनों हाथ ठीक हो गए। अच्छा ठीक हुए, और फिर दिल जहन में खन्नास आ बैठा, भाई चले एक वक्त हमारा भी तो ऐसा ही है ना, अल्लाह माफ करें, कभी कभी मुश्किलात आती हैं तो तौबा, मुश्किलात गई तो फिर बिगड़ गए, मैं गलत कह रहा हूं। आप मेरी मन मानिए, आपको अल्लाह ताला ने फाम दिया, आप घर जाइए सूरत आराफ खोलिए, कुरान पाक की सूरत है, फअरसलना अलैहिमुत तूफान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिअ वद्दम, और आगे अल्लाह ने फरमाया आयातिम मुफस्सलातिन फस्तकबरू वकानू कौमम मुजरिमीन। हम क्या क्या बताएं कि मुजरिमों ने क्या क्या किया है। जब सजा आई सुधरे, सजा हटी फिर बिगड़ गए, वो भी बिगड़ गया। अब उसने जब फिर हाथ आगे किया, खुदा ने फिर छल कर दिया, हत्ता के साहेब हिदायत के चिराग कहते हैं कि तीसरी मर्तबा फिर ऐसा ही उसने किया, अल्लाह ने तीसरी बार फिर छल कर दिया, अल्लाह ने उसके नजस हाथ हजरत सारा के दामन तक पहुंचने ही नहीं दिए। क्यों? इसलिए कि एक खुदा के नबी की बीवी हैं, आगे खुदा के नबी की मां बनने वाली हैं। आप हुजूर अलैहिस्सलाम का नसब नामा पढ़ें, सहाबा ने अजीब फैसला किया है, और उलमा की अजीब तहकीक है कि इब्तिदा से लेकर हुजूर तक जितना खानदान आया है, अल्लाह ने किसी को भी जिना की मुलव्वस में नहीं आने दिया। अल्लाह की शान है, अंबिया तो अंबिया होते हैं। कोई कह सकता है कि अंबिया हमारी तरह और आपकी तरह होते हैं? जो लोग कहते हैं कि उलमाए देवबंद का यकीदा है कि अंबिया तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह होते हैं, झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मौलाना इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो ये बात की जाती है, झूठ बोलते हैं। मैं खुदा की कसम मिंबर पर कहता हूं, झूठ बोल रहे हैं। कोई कहे कि नहीं सच बोलते हैं, मैं कहता हूं साबित करो, मैं कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह ताला की कसम है, झूठ बोलते हैं। आप बताओ क्या मौलाना आप और हम ये बात नहीं कह सकते, तो मौलाना इस्माइल या उलमाए देवबंद ये बात कह सकते हैं? और बोलो तो सही। अच्छा, अब जब वो हुआ ना शल तीसरी मर्तबा, अब उसने हजरत सारा से कहा कि अब मैं बहसियत एक बादशाह या वजीर के आपसे कहता हूं कि अब आप दुआ करें, इस कहर से मुझे निजात मिल जाए, मैं अब आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं आजाद कर दूंगा। अच्छा, इस मर्तबा अल्लाह ताला ने उसको ठीक कर दिया, तो अब वो बहरहाल इस गंदे इरादे से बाज आ गया, क्योंकि वो समझ गया था कि यह खुदा की कोई बुरगुजीदा शख्सियत है, पीछे हट गया और माफी भी मांगी और इज्जत और एहतराम के साथ हजरत सारा को रुखसत किया। और अब यहां पर हजरत हाजिरा का जिक्र आता है, जो हजरत इस्माइल की वालदा बनी है, आगे चलकर हजरत हाजिरा को हजरत सारा के सुपुर्द किया बतौर तोहफे के, कि इनको भी आप साथ ले जाओ, ये आपकी खिदमत करेंगी। अब इसमें उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है, याद रखिएगा, ये हजरत हाजिरा, बाज ने तो लिख दिया है ये कनीज थी, लेकिन बात जैसे मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहरवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बात पूरी नहीं लिखते, बात सिर्फ इसलिए कि बनी इसराइल को बनी इस्माइल पे गालिब करना चाहते हैं, इसलिए कह देते हैं कि वो कनीज थी, हालांकि पूरी बात ये है कि वो उसी बादशाह की बेटी थी जो उसने तोहफे के तौर पर हजरत सारा को दी, अब यहां से कनीज बनी है, नस्ली कनीज वाली बात नहीं थी। नहीं समझी आई बात आपको? दुआ करें अल्लाह ताला हमें कोई समझ भी दें। हम तो बहरहाल अब हकीकत तो यही है, तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा ने हम, अब कौन सुनता है? बल्कि अब तो हमें भी कई मशवरे आ रहे हैं लिख लेकर के, जी बस कर दें, इतना लंबा कससुल अंबिया जिसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, कससुल अंबिया बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं है? और बोलो तो सही, कैसे कज फहम लोग हैं, मैं तो हैरान हूँ। हजरत आदम के वाक्य पर एक ने मुझे लिख कर भेजा है, हजरत आदम के वाक्य में, और आप हैरान होंगे, आप हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज उठाएं, यही आयत जो मैंने इब्तिदा में थोड़ी देर पहले पढ़ी है, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़, इस आयत के बाद ही आती है, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा। उलमा ने लिखा, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अब यहां पर सबसे बड़ी नेमत जो दुनिया के लिए हजरत आदम थे, अब यहां पर अल्लाह जिक्र ला रहे हैं, जो खुदा की इतनी बड़ी नेमत थे
उनके वाकयात में आपसे पूछता हूं, फायदे से खाली है? ओ बोलो तो सही। अब यहां से हजरत साराह को हजरत हाजरा मिली हैं, वो झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि ये कनीज कनीज कनीज, कि वो सिर्फ इसलिए ताकि बनी इसराइल को बनी इस्माइल पर गालिब किया जाए। लेकिन वाह शेख हजरत केरानवी की बात कर रहा हूं रहमतुल्लाह अलैह। एक तो जवाब ये है ना जो अभी मैंने आपको खुलासा पढ़ा, एक जवाब वो है जो हजरत केरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इजाला ओहाम में दिया है, उसकी तफसील का ये मौका नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी तो बकिया था किस्सा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आइंदा आओगे? सोच लो यार, कहाँ आते हो, कहाँ आते हो? ये बाई चॉइस नहीं है, ये बाई चांस है। मैं सच कह रहा हूँ, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुनो।